हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो मैं अतुल सांबरिया, आज आप सबके लिए पिछले हफ्ते के आईएएस 2020 के अंदर जो मोस्ट रिलेवेंट न्यूज आई है, मतलब अगर आप प्रीलिम्स 2020 को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो पिछले हफ्ते की जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उन सबके लिए मैंने उसके अंदर से 10 ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न से रिलेटेड है और इसके साथ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी हमेशा हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस सीरीज के अंदर, या हम कहें इस वीडियो के अंदर, तो आपको जो पिछले हफ्ते के, मतलब जो लास्ट वीक, आज संडे है, तो लास्ट संडे से अब वाले संडे तक जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे रिलेवेंट लगे, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करवाने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अपने और एक्सपीरियंस दोस्त के साथ भी शेयर करें और जस्ट लीव ए लाइक सो आई कैन फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड अभिपीडिया कैन गुड फील अबाउट आवर चैनल। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक इंडेक्स। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए जो इसके अंदर चार हमने ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मीन एजुकेशन लेवल, दूसरा पर कैपिटा इनकम, तीसरा हेल्थ एंड सैनिटेशन और चौथा है फर्टिलिटी रेट। इन चारों के अंदर से आपने बताना है कि कौन सा इस इंडिकेटर का पार्ट नहीं है। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। देखिए जो ये इंडिकेटर है ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूपीएससी क्योंकि बाकी सारे इंडिकेटर्स के बारे में हर बार पूछ रही है, तो इसलिए ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली बार एक ऐसी रिपोर्ट निकली है सोशियो डेमोग्राफिक इंडेक्स कि 1980 से लेकर 2015 तक का सारा डेटा कंपाइल करके इस रिपोर्ट के अंदर डाला गया है। इसके अलावा एक बात और खास बात है कि ये रिपोर्ट जो आई है ये स्टेट वाइज आई है और स्टेट को भी 3 रैंकिंग में उन्होंने बांटा है। ओके, मतलब नेशनल लेवल के ऊपर रिपोर्ट नहीं आई है, ये आई है स्टेट वाइज। तो अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो सजेस्टेड वीडियोस के अंदर आपको एक हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर सीधी सीधी बात है सी। ओके, सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी वो इसीलिए क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर सैनिटेशन और हेल्थ को नहीं कवर किया गया है, इसके अंदर मीन एजुकेशन लेवल को कवर किया गया, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट को कवर किया गया और इसके अंदर फाइनली पर कैपिटा इनकम को भी कवर किया गया है। ओके, बट जस्ट डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस विद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है जो, उसके साथ आप इसको मत कंफ्यूज कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी रिसेंटली हार्ड एंड सॉफ्ट स्कूल, रिसेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्कूल सीन इन न्यूज, और ये किसने लॉन्च किया, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आजकल क्योंकि आप देखिए जो स्टेट्स हैं वो काफी एक्टिव हो गए हैं, हम आजकल बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और उसके अंदर जो स्टेट्स के इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे हैं, और यूपीएससी माना कि कम ही स्टेट के इनिशिएटिव को पूछता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिग न्यूज, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट किसी स्टेट ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट होता क्या है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने फौजियों के बारे में सुनी होगी, हमने मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनकी, इवन आईएएस ऑफिसर्स की भी कुछ हार्ड पोस्टिंग होती है और कुछ सॉफ्ट पोस्टिंग होती है, मतलब अर्बन इलाकों के अंदर। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बातों में बता दिया, तो इसका आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जैसे कि बहुत टेरेन वाला इलाका है, ओके, मतलब काफी हार्ड टेरेन है वहां का। वहां पे क्या होता है कि जो बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर स्कूल्स हैं तो उनको हार्ड स्कूल्स बना दिया गया, फिर जो थोड़े लो एल्टीट्यूड, उसके मीडियम एल्टीट्यूड के जो स्कूल हैं उनको फिर मीडियम लेवल के स्कूल बनाया गया, और फिर जो सबसे लास्ट मतलब कि अर्बन पोस्टिंग वाले स्कूल हैं उनको सॉफ्ट एक तरह से स्कूल बनाया गया। तो इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो भी नया टीचर रिक्रूट होगा वो सबसे पहले 3 साल हार्ड स्कूल के अंदर लगाएगा, मतलब टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट टेरेन है वहां लगाएगा, उसके बाद 5 साल वो मीडियम लेवल के ऊपर लगाएगा, और उसके बाद अपनी पूरी लाइफ वो मस्त जिंदगी अपनी अर्बन इलाके में सॉफ्ट स्कूल के अंदर निकाल देगा। तो अरुणाचल प्रदेश ने इस तरीके से हाई लेवल पे रहने वाले लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए हार्ड और सॉफ्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंटली न्यूज में थी और उसके हेल्थ मिनिस्टर, इसका पहली स्टेटमेंट है कि हेल्थ मिनिस्टर इज द डायरेक्टर ऑफ द ICMR। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, हम देखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बस यही क्वेश्चन है। तो अगेन जो यूपीएससी के टिपिकल
ऑप्शंस होते हैं वही वाले ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वन ओनली, सेकंड ऑप्शन है हमारा टू ओनली, थर्ड ऑप्शन है हमारा सी बोथ वन एंड टू एंड फाइनली इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आपने क्लियरली आंसर देना है। क्लियरली आंसर देने का मतलब है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आप सोचेंगे कि सर इतनी छोटी छोटी चीजें हमें कैसे पता हो सकती है। देखिए आपको इसमें पता है कि मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, मैक्सिमम तरीके मैक्सिमम टाइम अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हो तो मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन होता है, उस पर आप फोकस कीजिए। दूसरी स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन है तो आप अगर 50-50 के अंदर भी उसको लगा सकते हैं। तो देखिए तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो ये एक CSIR का जो अपना सेंट्रल काउंसिल है साइंटिफिक रिसर्च का, CSIR, उसके अंडर काम करती है। और वो कहाँ काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर। तो ये जो संस्था है ये, सॉरी मैं थोड़ा गलत ट्रैक पे चला गया था, आपको बताता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर इज द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICMR। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से आप यहाँ से इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके अपना, मतलब बढ़िया, आपने 50% तो आपने अपना चांसेस अपने करेक्ट कर लिए हैं अगर आपने पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया है। तो वन और सी दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपके पास टू और डी। तो 50-50 चांस के अंदर ज्यादातर आपको देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेफली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा, और आप ये देखिए कि इसका आंसर बी ही है। तो ये क्वेश्चन में आपको आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मैंने नहीं डाला है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको मैंने कुछ सिखाने के लिए डाला है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आजकल पेपर टफ होता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपने गैस वर्क भी करना है तो किस तरीके से आपने करना है। ओके, इसीलिए जब भी कोई डिपार्टमेंट आपके न्यूज में आए, पहला काम आपने क्या करना है, अपनी डायरी बना लीजिए और उसका मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट आप एकदम से किसी भी स्कीम का फटाफट लिख लीजिए। इससे आपका पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, और 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, छोटी सी एक्सरसाइज से आपके 2 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो ओके, तो चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स यूज्ड वाटर हाइसेनिथ टू मेक कार्बन डॉट्स। ओके, पहली स्टेटमेंट ये है, सिंस 2015 इंडस्ट्रीज आर यूजिंग वाटर हाइसेनिथ टू मेक माइक्रो डॉट्स। तो ये देखिए इसका अगेन वही टिपिकल है क्वेश्चन, पहला वन ओनली, सेकेंड टू ओनली, तीसरा सी मतलब बोथ वन एंड टू एंड फाइनली डी, ऑप्शंस आर टिपिकल, बट हाउ वी गोना डू दैट। तो इसमें भी देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है अगेन ए ही इसका आंसर है। ओके, देखिए लेकिन अगर आपने ये आंसर देना है, ठीक है, तो इसके हाइसेनिथ की आपको पूरी बैकग्राउंड आपको पता चलना चाहिए, जो कि आपको हमारे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो के अंदर मिल जाएगा, लेकिन ब्रीफली मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। हाइसेनिथ एक ऐसा पौधा होता है, ठीक है, जो लेडी हास्टिंग्स कभी अपने जमाने में लेके आए थे। उन्होंने क्या किया था, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए लेके आए थे, लेकिन ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज जानते हो जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं मिलता, इन्वेसिव स्पीसीज। ओके, लेकिन बाहर से उसको इंट्रोड्यूस किया और ये पानी के ऊपर ऐसे फैल जाता है और पानी का जितना ऑक्सीजन है उसको सक कर देता है। ओके, जिसकी वजह से पानी को स्लज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी वजह से हाइसेनिथ को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और उसी के पहल के अंदर रिसेंटली माइक्रो डॉट्स, कार्बन जो डॉट्स हैं वो बनाए गए वाटर हाइसेनिथ से। ओके, तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर 2015 में से इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। ओके, माइक्रो हाइसन, अगर आपने हाइड्रो सॉरी हाइसेनिथ के बारे में आपने पढ़ा है, तो इंडस्ट्रीज बहुत सारे तरीके निकाल रही थी इसको कैसे मस्त अच्छे तरीके से हम निकालें, और बार बार इसके ऊपर रिसर्च पेपर आते रहते हैं और अखबारों में भी कुछ ना कुछ आर्टिकल इसके ऊपर आता रहता है। तो लेकिन अभी के लिए जो इसका आंसर है वो है ए, वन ओनली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंडाना, अगेन स्टेट का क्वेश्चन है। स्पेंडाना एन इनिशिएटिव टू मेक पुलिस स्टेशंस अप्रोचेबल स्टार्टेड बाय कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और डी केरला। तो इसका आंसर वेरी क्लियरली, अगर आपने थोड़ा भी न्यूज में पढ़ा हो तो आंध्र प्रदेश, ओके, इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ओके, रिसेंटली तेलंगाना के अंदर एक काफी भयानक रेप के सामने आया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जो पुलिस स्टेशन को है वो ज्यादा अप्रोचेबल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे मेजर्स लिए गए हैं भाई, कि पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन कर दिया गया है, ऐप लॉन्च कर दी है, और हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक फीमेल को हमेशा, एक फीमेल जो पुलिस वाली होगी उसको हमेशा एक पोस्टेड किया जाएगा, और जब भी कोई महिला अपनी कंप्लेंट लिखवाने जाएगी तो FIR उसकी फीमेल पुलिस वाली ही लिखेगी, मतलब फीमेल जो पुलिस है वही लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ओशनोग्राफी। ये अकॉर्डिंग टू NIO रिसेंट स्टडी, बीचेज इन गोवा आर मोर पोल्यूटेड देन इन महाराष्ट्र।
तो क्या ये सच है? अगर आपने रिसेंट स्टडी पढ़ी होगी तो ये सारे अगेन गेस वर्क के क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। अभी क्यों यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग अंटिल अनलेस यू आर एन आर्डेंट रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड इवन दैट इट विल बी वेरी हार्ड, और आई विल से इट विल ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क टू मेक नोट्स ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ओके, सो दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। यू कैन डू इट थ्रू टेस्ट सीरीज, ओके, यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू द क्वेश्चंस गिवन इन द weekly PDFs, you will find, even at Wikipedia you will find a pre-punch, okay, and pre-punch के अंदर आपको एक weekly quiz दिया जाता है, वो भी solve करके वहाँ से आप कर सकते हैं, okay? तो चलिए, तो पहला है according to NIO recent study beaches in Goa are more polluted than in Maharashtra, दूसरा है it is under Ministry of Earth Sciences, तो again ministry का ही issue आ गया है, तो पहली तो जो इसका answer है, आपको क्या लगता है, क्या Goa के beaches polluted हो सकते हैं Maharashtra से, बोलिए, ठीक है, चलिए। और दूसरा इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट आपको इसमें सही लग रही है, तो आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ, दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर इनकरेक्ट है। ओके, रिसेंटली एक स्टडी आई है NIOS की और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के जो बीचेज हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं। ओके, महाराष्ट्र के जो बीचेज हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं। ओके, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी SNT के अंदर ही आता है डिपार्टमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर नहीं आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन में दूं तो आपको ये भी आपको बता देता हूं कि इसकी जो हेडक्वार्टर है NIO का वो गोवा के अंदर ही लोकेटेड है। ओके, ये ये सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल है जो हमारी CSIR उसके अंदर ये काम करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इको क्लब बेसिक क्वेश्चन। ये अगर मैं टाइप बताऊं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमारी जो इंडिया एयरबुक आती है वहां से क्वेश्चन आई है, वहां आपको इसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। हर साल इंडिया एयरबुक में इस बारे में लिखा रहता है। रिसेंटली उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया तो जिसकी वजह से न्यूज में थी, लेकिन इको क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इंडिया एयरबुक में दिया हुआ है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया एयरबुक इतनी मोटी उठाएं और पढ़नी स्टार्ट कर दें। यू हैव टू टेक सम स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट डिसीजंस कि आपको किस तरीके से पढ़नी है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया एयरबुक को आप किस तरह पढ़ें, अभी इंडिया एयरबुक लॉन्च होने वाली है, अगर आप वो चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कुछ आपको वीडियो बनाएं, तो हम आपको वो वीडियो बना के दे सकते हैं कि आपको इंडिया एयरबुक किस हिसाब से पढ़नी चाहिए। ओके, तो चलिए, तो रिसेंटली इको क्लब सीन इन न्यूज एंड इट इज रिलेटेड टू, बताइए, फोरम ऑफ बैंक्स टू टैकल NPA, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स इनिशिएटिव, एम्ड एट 100 गार्डन्स इन अर्बन एरिया बाय 2020 एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, नेशनल ग्रीप्स ग्रीन क्रॉप्स, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स एक जैसे हमारे NCC कैंडिडेट होते हैं, NSS का जो है, वैसे एक नेशनल ग्रीन क्रॉप्स भी होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, और वहाँ पे बच्चे ये सारे काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कॉलेज और स्कूल के बच्चे होते हैं। ओके, वो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुल्ली परियार डैम, लास्ट वाला जीविक का जो मेरा वीडियो था उसके अंदर भी ये डैम के बारे में आपको पता होगा। तो रिसेंटली मुल्ली परियार डैम सीन इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये देखने वाली बात है। वेरी, मुल्ली परियार डैम तमिलनाडु का डैम है, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है, केरला के अंदर, ये हमेशा ही न्यूज में रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ UN पीसकीपिंग फोर्स। UN पीसकीपिंग फोर्स आपने देखा होगा, UN पीसकीपिंग फोर्स काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जो हमेशा चलता रहता है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसके अंदर। तो चलिए, द कंसेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज इज नेसेसरी बिफोर पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मतलब कि अगर कहीं पे UN पीस कीपिंग फोर्स अगर जा रही है तो उसका पहली चीज क्या चाहिए, उसके लिए कंसेंट चाहिए, किसी कंसेंट चाहिए पार्टीज की, कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनकी कंसेंट है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सेकंड चीज जो चाहिए, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द ट्रू पार्टिसिपेशन इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। थर्ड, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हम बात करेंगे। और फाइनली नन ऑफ द अबव, कि सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट तो नहीं है कहीं पे। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो डिफेंस स्कोप होता है, डिफेंस के लिए जब जाया जाता है, तो जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना आए वो सैनिक हमारे हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन इंडिया अब इसमें फोर्थ स्थान पे पहुंच गया, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है। ओके, इथोपिया सबसे ज्यादा आजकल ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आपको पता हो इथोपिया सबसे ज्यादा ट्रूप्स आजकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, और इंडिया अब फोर्थ नंबर पे चला गया है, पहले इंडिया नंबर वन पे था लेकिन अब इंडिया फोर्थ नंबर पे चला गया है। इंडिया पैसा ज्यादा देने लगा है UN पीसकीपिंग को और धीरे धीरे अपने जो मैन पावर उसको कम कर रहा है। ओके, जस्ट लाइक डेवलप्ड कंट्रीज, सो इन ए वे इट इज ए गुड थिंग। ओके, तो चलिए, इसका आंसर क्या हुआ फिर, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके नेक्स्ट। अब कुछ हमने आपको हवाई जो हमारे सैन्य जहाज हैं ठीक है उनके बारे में आपने पूछा है, हमने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कि इसमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो पहला चिनूक यूएसए से, दूसरा MiG-21 रशिया से, तीसरा मिराज फ्रांस से और चौथा अपाचे यूएसए से। तो ये देखिए MiG-21 एक प्लेन है, मिराज भी प्लेन है और अपाचे एक फाइटर जेट है। तो चिनूक यूएसए से, तो इनमें से कौन कौन सी जो है वो सही मिले हैं करेक्टली मैच। तो इसका मैं आपको ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है। हर बार एक क्वेश्चन निकलता है, जैसे Agni-3 पे एक बार क्वेश्चन आया था, हर साल मतलब एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है इसलिए मैंने डाल दिया। लेकिन ये सारे देखिए रट्टे मारने वाली चीजें, इसमें मैं कोई अपनी जीनियसनेस नहीं दिखाने लगूंगा यहाँ पे। देखो बेटा मैंने आपको ये समझा दिया, ये ऐसे होता है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इफ यू कैन रिमेंबर देन रिमेंबर, इट्स दीज आर वेरी इजी थिंग। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे करेक्ट है। ओके सारे के सारे करेक्ट है, आंसर इज डी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ओ आज के हमारे क्वेश्चन मैंने 10 के 10 डिस्कस कर दिए हैं बहुत जल्दी ठीक है। और तो इस बार बस इतना ही, हमने आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे हम आपके लिए ठीक है। अगली बार भी ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमारी मंडे को और हमारी थर्सडे को दो दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लास चलती है उस क्लास की बहुत अच्छे वे में एक रिकॉर्डिंग करके हम अपने यूट्यूब अभिपीडिया चैनल के ऊपर डाल रहे हैं। आप मंडे और थर्सडे को शाम को 7 बजे वो क्लास देखना मत भूलिए, उसी की बेस के ऊपर ये आपको मिलने वाला है क्या करंट अफेयर्स का वीकली क्विज। इसके अलावा प्रिपेयर करंट अफेयर्स विद अभिपीडिया एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी ठीक है, जो कि आपको जनवरी से लेके मतलब जनवरी 2019 से लेके और जितने फाइनली जुलाई 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स हम उसके अंदर आपको कवर करवाने वाले हैं। ओके वो हमारी क्लास होगी और क्लास के अंदर ही आपको हम क्या पता हम आपको क्लास या तो रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास आपको हम दिलाएंगे। इसके अलावा थ्रो आउट चैलेंज भी एक स्टार्ट होने वाला है, हम आपको कुछ चैलेंजेस दिया करेंगे जो आप क्विज के ही चैलेंजेस होंगे कि आप कितने कितने लोगों को आप उसे सोल्व करवा सकते हैं। ओके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं अतुल सांभरिया, हैव ए वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू।